बैक टू माई चैनल ब्लश एंड ग्लो। होप कि आप लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस चैनल पे आपको मेकअप रिलेटेड वीडियोज, स्किन केयर, लाइफ स्टाइल वीडियोज और ढेर सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने को मिलते रहते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज की वीडियो होने वाली है एक स्किन केयर, बहुत ही ईजी और बहुत काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी हेल्पफुल भी आप लोगों के लिए वीडियो होने वाली है। बीच बीच में हम कुछ टिप्स आप लोगों को बताएंगे स्किन केयर के। सो अभी हमने कुछ भी नहीं अप्लाई किया है, बस फेस वॉश करके बैठ गए हैं और थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है क्योंकि थोड़े से कैमरे में यू नो प्रेजेंटेबल देखना ज़्यादा ज़रूरी है। सो अभी हम बैठ गए हैं और काफ़ी दिनों बाद हम ये बैठ के कोई वीडियो शूट कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से आप लोग जैसे देख रहे हैं व्लॉग्स ही आ रहे थे क्योंकि बैठ के ऐसे शूट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, शिफ्ट होने में ये वो काफ़ी चीज़ें चल रही थी। जो अगर आप लोग स्टार्टिंग से मेरी वीडियोस देखते हैं और हमें फॉलो करते हैं तो आप लोगों को मालूम होगा, और अगर आप लोग फॉलो नहीं करते हैं, कुछ नहीं मालूम है, तो पीछे जाके आप लोग मेरी वीडियोस देख सकते हैं तो आपको सब पता चल जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। सो हमने काफ़ी टाइम से कोई स्किन केयर वीडियो शूट नहीं करी थी, कोई मेकअप वीडियो शूट नहीं करी थी। अब ईद का टाइम है, लोगों को चाहिए क्लीन अप, ईद के लिए ग्लो चाहिए ईद में, लोगों को हमें भी चाहिए, तो हमने सोचा हम भी स्किन केयर करते हैं थोड़ा सा। काफ़ी टाइम से हमने किया भी नहीं है, थोड़ा एक दो पिंपल यहाँ पे मेरे निकले दिख रहे होंगे। सो अभी हम अपने कैमरे से शूट करने का ट्राई कर रहे थे कि उससे हो जाए, थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाएगी आप लोग को देखने में आएगा। इसमें भी काफ़ी क्लियर है, कुछ कोई फिल्टर नहीं है मेरे कैमरे पर, तो बट स्किन और आपको प्रोडक्ट्स की डिटेल और अच्छे से उसमें पता चल जाती है। हम फर्स्ट टाइम शूट करना चाह रहे थे बट उसका माइक नहीं मिल रहा है, तो सोचा कि अब मिल जाए तभी करते हैं क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं हो, हम शूट करें वो काम नहीं करें वीडियो। सो तो हम बात करने लग जाते हैं, काफ़ी बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेप है हमारा, सो हम ईद के ग्लो अप की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अभी हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले स्किन केयर में होता है बहुत अच्छी स्किन की क्लींस होना ज़रूरी है स्किन को। और मेरी स्किन है ड्राई, जैसे कि आप लोग जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो अब जान लीजिए मेरी स्किन ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है। सो हम वॉश करके बैठे हुए थे और हम हमेशा, मेरा फेस वॉश जो है वो ये है, द फेस शॉप यूज़ करते हैं हम हमेशा से, द फेस शॉप का ये ऑलमोस्ट 1 ईयर्स हो गए हमको इसको यूज़ करते करते, और ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। बट इसमें यूके में शायद ये है नहीं, द फेस शॉप ब्रांड नहीं है यहाँ पे, हम क्योंकि ढूंढ रहे हैं, हमने गूगल किया, हमें कहीं पे भी नहीं मिला। अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट में बताइए हमें कि यूके में द शॉप, द फेस शॉप है कि नहीं। आई थिंक होनी चाहिए बट पता नहीं, हमें नहीं मालूम है, तो हम गूगल भी करा तो हमें लग रहा है कि नहीं है, बट अगर आप लोगों को लगता है कि है तो बताइएगा हमें, अगर है तो फिर हम यही मंगाएंगे। हमें नहीं मिल रहा था, ये देख सकते हैं हम निचोड़ निचोड़ के इसको यूज़ कर चुके हैं। ये है, तो हमने कल गए हम मार्केट, तो हमने ये लॉरियल का ले लिया, एक लॉरियल पेरिस का फाइन ग्लोअर जेल क्रीम वॉश, तो ये भी आज हमने फर्स्ट टाइम यूज़ किया, तो इतना मतलब कुछ हमें समझ में नहीं आया, इसलिए हम बता नहीं रहे भी क्योंकि एक ही टाइम अभी जब हम यूज़ किया, हमने अभी जो फेस वॉश करके बैठे हैं वो इसी से करके बैठे हैं, तो मतलब इससे हमको ड्राइनेस तो नहीं हुई, बहुत अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट सा था सो फील हो रहा था। तो फर्स्ट स्टेप है सबसे पहले फेस को क्लीन करना, तो आपको अप्लाई सेकंड स्टेप है स्टीमिंग, उसके लिए हमें चाहिए एक बोल और इसमें गर्म पानी, और एक आपको चाहिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन ये टाल चाहिए आपके पास हो, तो जो भी कोई कपड़ा हो सॉफ्ट सा वो चाहिए, और आपको इसके अंदर सोक कर लेना है, हम उठा नहीं रहे नहीं तो मेस कर देंगे, और हमें थोड़े बाल समेट लेते हैं पहले। बाल हो गए, इसको इसमें पूरा भिगो लेना है, जो अपना हमने कपड़ा लिया है, हमने टाल लिया है, तो इसको अच्छे से, क्योंकि अगर आपके पास स्टीमर है तो बेस्ट है आप उससे करिए, मेरे पास स्टीमर नहीं है तो हम इससे कर रहे हैं। सो इसको ले लिया और हमने करना है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बताया, इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे, फिर इसको फेस पे रख के कुछ देर के लिए ऐसे स्टीम ले लेंगे। सो
मेरी स्टीमिंग हो गई। स्टीमिंग से क्या होता है ना, जो आपके ब्लैक हेड्स होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, उसको रिमूव करने में बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत मेरे हैं ब्लैक हेड्स, बहुत ज़्यादा नहीं है। हम उसके लिए भी अपने स्क्रबिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं एम कैफीन का नेकेड एंड रोक कैपेचिनो कॉफ़ी फेस स्क्रब। ये बहुत अच्छा और बहुत जेंटल स्क्रब है। मिक्स इट वेल। ये स्क्रब है, इसकी हम आपको कंसिस्टेंसी दिखा देते हैं। दिस और बहुत अच्छा है, ट्रस्ट मी, बहुत जेंटल है। और थोड़ा सा फेस को अपने वेट कर लें पहले। बहुत ज़्यादा ही जेंटल है और बहुत अच्छे से आपके फेस को एक्सफोलिएट कर देता है। आपको बहुत जेंटली इसको सर्कुलर में मोशन में इसको अपना करना है और बहुत अच्छे से अपने ऑलमोस्ट 2 or 3 minutes के लिए स्क्रबिंग कर लेंगे। और अपनी नोज़ एरिया को थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हुए करेंगे स्क्रब, क्योंकि ब्लैक हेड्स और आपके ज़्यादा डर्ट यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे तो स्किन हमेशा लोगों की ऑयली होती है। दैट्स वाई। अभी ऐसे ना बताने में हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, क्योंकि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आना चाहिए कौन सा प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। ये नहीं कि बस लगाते चले जा रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो ऐसे नहीं करना है। थोड़ा सा हम आपको डिटेल बता भी देते हैं कि क्या क्यों कर रहे हैं। तो आप लोगों को अपनी स्किन के लिए हमेशा थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि किसी में केमिकल ज़्यादा है तो आपकी स्किन को इरिटेशन ना हो और कोई हार्मफुल केमिकल्स हो और आपकी स्किन रिएक्ट कर जाए। अच्छे प्रोडक्ट ही हम आपको रिकमेंड करेंगे और आप लोग भी ट्राई करिएगा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट और जेंटल ही चीज़ें, अगर आप टीनेजर हैं तो ट्राई करें। स्क्रबिंग इज कम्प्लीट। अभी काफ़ी सॉफ्ट और साफ साफ लग रहा है फेस, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही ना खुरदुरा सा हो गया था। अभी काफ़ी टाइम से, क्योंकि हमने कोई क्लीन अप कुछ स्क्रब स्क्रब कुछ भी नहीं किया था, दैट्स वाई ब्लैक हेड्स हो ही जाते हैं। अभी हम ये यूज़ कर रहे हैं द फेस शॉप की। द फेस शॉप मेरी स्किन केयर के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट स्किन केयर है या ब्रांड है, बट यहाँ पे नहीं मिली तो हमें प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि इसका हम वो भी यूज़ करते हैं मॉइस्चराइज़र। अभी नोज़ को थोड़ा सा वेट करके आप ये वाली जेजुआ इसकी है इसको लगा लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, ऐसे रिमूव करके अच्छे से बहुत अच्छे से अपने पूरे ब्लैक हेड्स वाले एरिया पे इसको अप्लाई करेंगे। इसको थोड़ा वेट करके ही अप्लाई करना है, जब तक ये स्मूथ नहीं होगा तब तक पूरी जगह पे ब्लेंड नहीं होगा, सॉरी अच्छे से स्टिक नहीं होगा। यस, अब ये बहुत अच्छे स्टिक हो गया है। जब तक ये ड्राई होता है बहुत अच्छे से, तब तक इसको यहाँ पे रखना है। तब तक आप बैठ के अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। बाय फॉर 15 minutes। हमने रिमूव कर लिया, इससे ना बहुत अच्छा होता है, काफ़ी ब्लैक हेड्स निकल जाते हैं जब आप इस वो कर लेते हैं ना, स्टीमिंग कर लेते हैं उसके बाद स्क्रब कर लेते हैं, और आपके सारे और भी जो थोड़े बहुत हेड्स रह जाते हैं ब्लैक हेड्स, तो वो भी अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। अभी जो उसका थोड़ा सा लगा रह गया था उसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है अब नोज़ मेरी, थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक हेड्स दिख रहे हैं जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, हाँ, बट वो इतना डीप क्लीन हो मतलब अपने आप से नहीं होता, वो हमें करने भी नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं किए ना, तो थोड़े बहुत दिख रहे हैं इधर, बाकी हमको होते नहीं है। अभी है स्टेप 4th आई थिंक, हाँ 4th। स्टेप है हम अप्लाई कर रहे हैं ये क्ले मास्क, जो कि हम कभी नहीं यूज़ करते क्योंकि मेरी है ड्राई स्किन, बट अभी नोज़ एरिया मेरा थोड़ा सा ऑयली हो जाता है समर्स के टाइम में,
सो इसलिए हमने अभी बिल्कुल नया लिया है ये। ज़िशान की एक्चुअली स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, उनके ऊपर यूज़ किया था तो उनकी स्किन इतनी ज़्यादा स्मूद हो गई थी, ऐसे कर रहे थे तो मन कर रहा था ऐसे छूते रहे। सो हमने सोचा हम भी अप्लाई करते हैं, हमें भी सॉफ्ट करनी है अपनी स्किन। सो उसके लिए हमने लिया है ये लॉरियल पेरिस न्यू प्योर क्ले डिटॉक्स मास्क। सो ये हमने लिया था। सो ईजिली आपको कहीं पे भी नायका पे मिल जाएगा, नायका मिंत्रा, बट मेकअप वाले प्रोडक्ट तो आप नायका से ही लें। सो इसको पूरे फेस पे थिन लेयर इसकी अप्लाई कर लेंगे, हम बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि यू नो मेरी स्किन वैसे ही बहुत ड्राई है और आपको आपको हमेशा ड्राई स्किन के लिए क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। ये क्ले वाला तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्ले वाला बहुत ज़्यादा स्किन को और ड्राई कर देता है। बट अभी हमें लगता है कि थोड़ी सी ज़रूरत है हमें, तो हम अप्लाई कर रहे हैं। सो ये मास्क अप्लाई कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सो फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप है ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट। सो शीट मास्क, कोई भी शीट मास्क मेरे फेवरेट बहुत ज़्यादा होते हैं, वो द फेस शॉप के, अगेन द फेस शॉप के शीट मास्क मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। बट अभी जैसे कि हमने बताया मिल नहीं रहा है तो हमने ये लॉरियल का लिया है। इसको भी हमने यूज़ किया हुआ एक बार, बहुत अच्छा है ये भी, काफ़ी अच्छा लगा था हमको। बट यू नो हमेशा जो भी एक बार पसंद आ जाता है तो वही। तो इसको थोड़ा सा फ्रीज में रख के हम तब अप्लाई करते हैं, थोड़ा ठंडा करके। यस, इसमें से निकाल के इजीली बस आपको अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लेना है। सो 15-20 मिनट्स हो गए हैं, सो इसको अब रिमूव कर लेंगे। लुक एट मास्क, ओह गॉड। अभी पहले इसको हम सही से रख देते हैं। सो बाद सारे चिपक गए। सो अब इसको हम थोड़ी देर के लिए मसाज करेंगे, 5 मिनट के लिए अपने फेस पे, जिससे कि थोड़ा सा फेस का ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है और आपकी स्किन को टाइटन करने में हेल्प होती है। सो देख द ग्लो, सो ग्लोई और काफ़ी क्लीन हो गई है मेरी स्किन। सो ऐसे ही आप अपनी स्किन के केयर करते रहिए तो स्किन हमेशा यंग और यूथफुल लगेगी। बहुत ज़्यादा केमिकल भी आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अपने फेस पे, जैसे कि आपके स्किन 15 डेज पे आप ये वाला पूरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 5 स्टेप है, बहुत कुछ हैवी नहीं करने को। बट आप कभी अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ये वाला लॉरियल वाला क्ले मास्क यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो शीट मास्क यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने सारी वीडियोज़ में देखा होगा कभी भी हम ये क्ले वाला मास्क यूज़ नहीं करते हैं, बट अभी कर रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी नीड लग रही थी यहाँ के लिए। यहाँ पे एक पिंपल भी है हमको छोटा सा, तो इस वजह से। सो अभी के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ी देर मसाज करके। बाकी अगर अभी क्योंकि शाम का टाइम है, रात में वॉश करके फिर अपना सीरम और मॉइस्चराइजर लगा के सो जाएंगे। सो अभी के लिए इसको मसाज कर लेते हैं पहले। सो गाइज, दैट्स इट फॉर द टू स्किन केयर रूटीन, जिसमें कि हमने 5 स्टेप बताया आप लोगों को। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को स्किन क्लीन करना है, एक्सफोलिएट करना है और मॉइस्चराइज करना है। सो जैसे कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये वीडियो होपफुली। सो
अभी के लिए हमने ये शीट मास्क जो अप्लाई किया था उसका सीरम छुटाया नहीं, क्योंकि शाम का टाइम है, अभी रात हुई नहीं है, तो जब रात होगी तब तक हम इस सीरम को अप्लाई करके रखेंगे, और फिर उसके बाद वॉश करके जेंटली यू नो फ्रेश वाटर से, उसके बाद इसको पे मॉइस्चराइज़र और सीरम अप्लाई करके सो जाएंगे, और कुछ भी नहीं करना। स्किन आपकी बहुत क्लीन, जैसे कि दिख रही है, मेरी स्किन काफ़ी क्लीन हो गई है और बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज भी हो गई है। सो गाइज, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हम डाल देंगे, तो आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो तो ले लीजिएगा वहाँ से लिंक पे क्लिक करके, नहीं तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। कि और कुछ भी इसमें स्पॉन्सर नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है ना मेरा चैनल मोनेटाइज है, ना मेरा चैनल पे इतने फॉलोअर्स हैं कि कोई हमें कुछ अपने कोलेब्रेशन के लिए भेजेगा या फिर कुछ यू नो स्पॉन्सर हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। सारे मेरे खुद के प्रोडक्ट्स हैं, सो जो हम यूज़ करते हैं, जो पर्सनली मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद भी हैं और काफ़ी रीजनेबल भी हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइट पे नहीं है कुछ भी। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ईद आ रही है, जैसे कि आप लोग को मालूम है, नेक्स्ट वीडियो होगी बहुत अच्छी मेकअप वीडियो, होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी, और काफ़ी डिसेंट और काफ़ी प्रिटी लुक होने वाला है, वो अभी तक हमने सोच लिया है। सो आज स्किन केयर करिए हमने, क्योंकि अभी रोज़े में क्या होता है, रोज़ा रख के मेकअप कर नहीं सकते हैं, बट अभी आई गॉट माई पीरियड्स, तो हम सोचा ये वाला जो टाइम है मेरा वो यूटिलाइज कर लेते हैं हम अपना मेकअप और ये सब वीडियोस करने के लिए, तो अभी इसलिए स्किन केयर कर रहे थे हम बैठ के। सो गाइस, बस अभी हमने यू नो बाय बोल के उसके बाद फिर ये बोल दिया। तो चलिए एक और बार वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।